हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं हूं पवन। आज की टॉपिक है क्षेत्र मिति। क्या है क्षेत्र मिति? और आज हम लोग क्षेत्र मिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयत के बारे में कि आयत होती क्या है। देखते हैं आयत, इसे कहते हैं आयत। क्या कहते हैं इसे हम लोग? इसे कहते हैं हम लोग आयत। आयत में क्या होती है? आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है। सी बी, आमने सामने की, कहने का मतलब है ए बी बराबर क्या होगा हमारा? सी डी होगा। और ए सी बराबर क्या होगा हमारा? बी डी होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है। इसको जो लंबा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लंबाई। तो बोलते हैं हम लोग लंबाई। और इस भुजा को बोलते हैं हम लोग चौड़ाई। क्या बोलते हैं हम लोग? चौड़ाई। इसे बोलते हैं हम लोग चौड़ाई। ठीक है, इसमें जो इसको भी बोलते हैं, इसको लंबाई होगा तो ये भी लंबाई होगा हमारा, ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई होगा। और एक चीज़ होता है इसमें, एक होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल, जो अंदर की जो एरिया है इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं हम लोग? क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखेंगे। और एक होता है इसमें परिमिति, इसे बोलते हैं हम लोग परिमाप। जो ये आयत हो गया ये, और आयत के जो ये बाहरी हिस्सा है ना, जो ये इसी को बोलते हैं हम लोग परिमाप। क्या बोलते हैं हम लोग? परिमाप। परिमाप बोलते हैं। कहीं कहीं आप लोगों को ये परिमिति भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो बाहरी हिस्सा है, चारों भुजा का जो जोड़ देंगे हम लोग, ये हमारा परिमिति निकल जाएगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं इसके कुछ फॉर्मूले के। तो जो पहले फॉर्मूले होते हैं वो होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है लंबाई गुने में चौड़ाई। ठीक है, जो दूसरा फॉर्मूला होता है अपन नोट डाउन करके जाएंगे। दूसरा होता है आयत की परिमाप, परिमाप या परिमिति। हमारा फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, जो तीसरा फॉर्मूला होता है ये होता है आयत का लंबाई, आयत की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है आपका क्षेत्रफल बट्टे में चौड़ाई। चौथा होता है हमारा आयत का चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बट्टे में लंबाई। अगर कहीं भी आपसे पूछ दे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो तुरंत क्या करना, उसमें लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देना है, जो कि हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 × में लंबाई जोड़ चौड़ाई। कहने का मतलब है ये होगा आपका आयत, इसमें लंबाई, दोनों लंबाई को जोड़ दीजिए और दोनों चौड़ाई को जोड़ दीजिए, हमारा परिमाप निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला है 2 × में लंबाई, और कहने का मतलब 2 लंबाई यहाँ पे और 2 चौड़ाई है, इसलिए लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ करके 2 से गुणे कर दिया गया। ठीक है, आयत का लंबाई, अगर आपसे आयत की लंबाई की बात करें तो कभी भी क्या करना है, क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देना है। अगर आयत की लंबाई की बात करेगा तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देंगे, और अगर आयत की चौड़ाई की बात करेगा तो क्षेत्रफल में क्या करें हम लोग? लंबाई से भाग देंगे। ठीक है, कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 15 मीटर है तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालें। परिमाप निकालें। चलिए शुरू करेंगे हम लोग हल। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ, एक आयत की लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है, तो लिखेंगे क्या, लंबाई बराबर 15 मीटर, चौड़ाई बराबर 10 मीटर, ये हमारा दिया हुआ है। उसके बाद आए प्रश्न पढ़ेंगे, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालें। पहले क्या कहता है, क्षेत्रफल निकालें, सेकंड में क्या कहता है, परिमाप निकालें। जो पहला होता है हम लोग को बोल रहा है क्षेत्रफल, तो फॉर्मूले बैठाएंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने में चौड़ाई। तो कुछ नहीं करना है आपको, लंबाई दिया हुआ आपका 15, चौड़ाई दिया हुआ है 10, तो कुछ नहीं करना है आपको, क्षेत्रफल बराबर क्या करना है, लंबाई जो है 15 गुने कर देना है आपको 10 से, तो हमारा क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, हमारा 150 मीटर, ये हमारा हो जाएगा पहला आंसर। ठीक है, और दूसरा जो प्रश्न है, परिमाप पूछ रहा है, तो आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लिखवाया है 2 गुने में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधी सी 2 गुने में 2, ये तो फॉर्मूला से आ गया, लंबाई दिया हुआ आपका कितना 15, चौड़ाई दिया हुआ है 10, तो लंबाई जब लिखेंगे 15 प्लस चौड़ाई जब लिखेंगे 10, कर देंगे पहले कोष्ठ के अंदर, एक क्रिया होती है 2 गुने 15 प्लस 10 हो जाएंगे आपका 25, गुना करने के बाद क्या मिलेगा हमारा 50, ये क्या हो गया हमारा मीटर, ये हो गया परिमाप। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 10 मीटर है तथा क्षेत्रफल 70 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई निकाले। ये मेरा प्रश्न है, फिर क्या करें हम लोग, हल करेंगे, जो प्रश्न में दिया हुआ है पहले उसे लिखेंगे, क्या दिया हुआ है हमारा प्रश्न में, दिया हुआ है कि लंबाई दिया हुआ हमारा कितना 10 मीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ हमारा 70 मीटर। ठीक है, और निकालना क्या हमें, हमें निकालना है चौड़ाई। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, आयत की चौड़ाई बराबर फॉर्मूला, मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था,
ये मैंने लिखवाया था आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, आयत की परिमाप बराबर दो गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, और आयत का लंबाई बराबर क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बट्टे लंबाई। और अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि आयत की चौड़ाई निकाले। फॉर्मूला क्या था हमारा, क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। जब आपसे पूछे चौड़ाई तो कुछ नहीं, क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देना है। अगर आपसे पूछे लंबाई तो क्षेत्रफल में देना है चौड़ाई से भाग, ठीक है। तो चौड़ाई मुझे फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ हमारा, 70 दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है 70, लंबाई भी दिया हुआ कितना 10, भाग देंगे 10 × 70। हमारा जो चौड़ाई निकल के आएगा हमारा कितना निकल के आएगा, 7 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि आयत की लंबाई बताएं, तो चौड़ाई प्रश्न में दिया रहेगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।